आरटीओ की कार्यवाही से ई रिक्शा चालकों की रोजी रोटी पर संकट। एक ओर जहां सूबे की योगी सरकार गरीबों व मजदूरों की हितैषी होने का दावा करती है, तो वहीं उन्हीं के अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा गरीबों व मजदूरों पर ही एक तरफा कार्यवाही की जा रही है। ताजा मामला संभल जिले का है, जहां एआरटीओ ने बुधवार को अभियान चलाकर 16 ई रिक्शा चालकों के खिलाफ कार्यवाही की है, जिससे ई रिक्शा चालकों व उनके परिवार की दो वक्त की रोटी पर भी संकट खड़ा हो गया है। बता दें कि जहां एक ओर पहले ही कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते गरीब मजदूरों के घर दो वक्त की रोटी का संकट रहा, फिर भी गरीब मजदूरों ने जैसे तैसे अपना व अपने परिवार का भरण पोषण किया, लेकिन जब लॉकडाउन खुला तो गरीब व मजदूर वर्ग के लोगों को आस जगी कि अब हम मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण आसानी से कर लेंगे। लेकिन उस पर भी जब प्रशासनिक चाबूक चलने लगा तो एक बार फिर यह परिवार भुखमरी के कगार पर आकर खड़े हुए हैं। दरअसल जिस तरह बुधवार को संभल एआरटीओ ने 16 ई रिक्शा चालकों के खिलाफ कार्यवाही की, तो उसके इर्द गिर्द तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या संभल के प्रशासनिक अधिकारियों की नजर इन गरीबों पर ही पड़ती है, या फिर यह परिवहन विभाग के अधिकारी उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे। तमाम बड़े वाहन नियमों को दरकिनार कर सड़कों पर फर्राटा भरते नजर आते हैं। आपके ये रिक्शा जो किसने बंद किए हैं? हाँ जी, किन्होंने बंद किए? तो स्टाफ की बात है, प्रशासन ने बंद की। तो आप क्या मांग करते हो? मांग क्या करते हैं साहब, हमारे तो और कोई सहारा ही ना, चार पांच लड़की है, जो भी होगा इसी से हो जाएगा, न खत्म कहानी। तो प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हो? जैसे आपके बंद कर तो गई है हमारी गाड़ी, दे रहे तो सब कुछ है। आप तो सीज कर दी है? तो आप तो सीज कर दी? सीज कर दी तो मालिक तो गई है फिर। तो आप क्या चाहते हो, आप क्या कर रहे हो? ज्यादा तो दिलचस्पी हमें गई है, हम अपने बालकों में घर कुछ लेकर चले जाए और आगे की मर्जी साहब। अभी ये रिक्शा बंद हो गया, अब क्या करोगे आप? अब क्या करेंगे, हमारा तो कोई और कब्जा भी ना, अल्लाह मालिक है, जैसे भी करेंगे थोड़ा बहुत कुछ। हमसे खेती मजदूरी भी ना होती, हमारी तो उम्र भी माशाल्लाह दिख रही है। आपको? मेरा नाम सदर है। आप ये रिक्शा बंद करा, क्यों बंद करा है? सर हमने बंद नहीं कराया, अपने मर्जी से। हम तो मजदूर आदमी हैं, हम तो करोड़ों रुपये कमा रहे हैं, पेट भर रहे हैं, कोई काम नहीं, कारोबार नहीं, परेशानी पड़ रही है, ये लोग जुलम कर रहे हैं। तो अब क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं जैसे पकड़े हैं, अब ये उधार ले लेते हैं, औरतों की किस्तें ले लेके, तो हमने ये रिक्शे खरीदे जी, समझिए। अब माँ ये खत्म हो गए, यहाँ तो सब जो कमाने का धंधा था यहाँ खत्म हो गया, हमारा खैर वहाँ क्या करेंगे? आप क्या करोगे? आपकी सीज कर दिए, अब तो खाली करने साहब, क्या करने के परेशानी है, हम ये कहाँ खाने का बना हमारा। सर आपने ये रिक्शा बंद करें, किस लिए बंद करें? जो ई रिक्शा आने देखिए उससे चल रहे हैं, जो आरटीओ ऑफिस से हमारे आरटीओ कार्यालय से रजिस्टर्ड नहीं है, वो उनका ना बीमा है, ना ही उनका पॉल्यूशन ना बीमा है, ना ही रजिस्ट्रेशन है उनका, तो जो सवारियां उससे बैठती हैं उसकी सुरक्षा की दृष्टि से बड़ा ख़तरनाक है। अगर कोई भी दुर्घटना होती है तो उसके लिए पूरी तरीके से जो है वो ई रिक्शा वाले, और ना कोई क्लेम मिलेगा ई रिक्शा वाले जो सवारी बैठती है, ना ई रिक्शा वाले को कोई क्लेम मिलेगा। इन अधिकृत रूप से चलने वाले ई रिक्शा को जो है वो पुलिस विभाग, यातायात विभाग और परिवहन विभाग की संयुक्त कार्रवाई से सीज किया गया। कब तक चलेगा सर ये? अभी दो तीन दिन चलेगा अभियान, दो तीन दिन चलेगा। कितने सीज किए हैं अभी? आज 16 करीब, लगभग 16 ई रिक्शे जो हैं वो सीज किए हैं।